लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नेत्रहीन स्कूल पहुंची साध्वी प्राची शुक्ला, नेत्रहीन बच्चों के भजन सुनकर हुई अभिभूत, कहा बच्चों की इच्छा शक्ति से आम जन को भी लेनी चाहिए प्रेरणा। बागबहरा के समीपस्थ ग्राम कल्याणपुर में स्थित फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय पिछले 2 वर्षों से यहां पर संचालित है, जिसमें कुल 60 बच्चे अध्ययनरत है, जिसमें 28 बालक एवं 32 बालिकाएँ हैं। आज दोपहर प्रख्यात भागवत कर्ता साध्वी प्राची शुक्ला नेत्रहीन विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से मिलने पहुंची। साध्वी प्राची को अपने बीच पाकर बच्चे प्रफुल्लित हो गए। वहीं बच्चों द्वारा साध्वी प्राची के लिए एक भजन प्रस्तुत किया गया। बता दें कि फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय ब्लॉक में पिछले 5 वर्षों से संचालित है, जिसमें नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक का शिक्षा दिया जाता है। फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय के बच्चे किसी भी मामले में अन्य बच्चों से कम नहीं है। इस विद्यालय के 4 बच्चों का चयन पैरा एथलेटिक्स नेशनल खेल में हुआ था, वहीं 3 बच्चे हाफ मैराथन के लिए छत्तीसगढ़ में बच्चों का चयन हुआ था। साध्वी प्राची ने नेत्रहीन बच्चों को 51 नग कंबल भेंट कर इन बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आम जन से भी अपील की है। क्लिपर 28 के लिए बागबहरा से रवि सेन की रिपोर्ट। फॉर्च्यून नेत्रहीन हाई स्कूल के बच्चों से जुड़े मेरे को कई वर्ष बीत गए हैं। मैं इनसे उस समय से जुड़ा हूं जब कर्मा पत्तर ग्राम के लोग 1-1 किलो चावल देकर इनका गुजारा किया करते थे। आज मैं इनके बीच में हूं और इनकी स्थिति देखकर मुझे खुशी होती है कि ये दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस धरती में। मध्य प्रदेश से पधारे हमारे सम्माननीय प्राची देवी जी, जो भागवत कथा के प्रवक्ता हैं, और उनके सहपाठीगण सभी आके हमारे विद्यालय में पहुँचे एवं बच्चे लोगों को शुभ आशीर्वाद दिए। बच्चे लोगों के द्वारा उनके स्वागत अभिनंदन किया गया। हम सभी संस्था के पदाधिकारीगण की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार दिए कि ये दीदी आके अपने बहुमूल्य समय देते हुए अपने उद्बोधन दिए एवं विभिन्न प्रकार सहयोग का बात रखें। किसी भी तरीका से ये बच्चों का भविष्य उन्नति होगा, उसके लिए वो मंगल कामना किए हैं। यही जय श्री कृष्णा। आज छत्तीसगढ़ नेत्रहीन फॉर्च्यून विद्यालय में मुझे आकर के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये बच्चे जो नेत्रहीन हैं, ये यहाँ के प्रेरणा स्रोत हैं। हम कभी कभी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ भी, बहुत सी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब लगता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं, सब बेकार है। लेकिन आज इन बच्चों को देख करके किसी का भी साहस जाग सकता है कि जब ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे नेत्रहीन बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो समृद्ध हैं, संपन्न हैं, जिन पर प्रभु की कृपा है, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.